हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिगनर्स टू मास्टर। आई होप दैट यू ऑल मस्ट बी डूइंग गुड। फ्रेंड, हमने एमपीजीके में चालू किया था रिवर वाला पार्ट। तो एमपीजीके में रिवर वाले पार्ट में हमने पहले वीडियो में ड्रेनेज सिस्टम पढ़ लिया था। एमपी में 6 तरह के ड्रेनेज सिस्टम पाए जाते हैं, उसमें से एक था गंगा ड्रेनेज सिस्टम। तो उसी गंगा ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है चंबल रिवर। तो हम एक एक करके अब सारी रिवर को कवर करेंगे एमपी की। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं चंबल रिवर। जैसे कि पहले वीडियो में हमने देख लिया था कि ड्रेनेज सिस्टम 6 तरह के पाए जाते हैं, तो जो एमपी में पाए जाते हैं। पहला था गंगा, गोदावरी, महानदी, माही, नर्मदा, ताप्ती। ये 6 तरह के ड्रेनेज सिस्टम पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। उसमें से एक है जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम एमपी का, वो है गंगा। और गंगा का ही पार्ट है यमुना, क्योंकि वो उसकी ट्रिब्यूटरी है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। और उसी में जाके मिल जाती है चंबल रिवर। तो चंबल रिवर किसका पार्ट हो गई? गंगा ड्रेनेज सिस्टम का। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चंबल के बारे में। तो सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन देख लेते हैं चंबल का। तो चंबल सेकंड लार्जेस्ट रिवर है मध्य प्रदेश की। सेकंड लार्जेस्ट रिवर 965 किलोमीटर ये पूरा टोटल लेंथ है इसकी, जिसमें से 365 के अराउंड कुछ किलोमीटर ये एमपी में फ्लो होती है। ठीक है, तो चंबल रिवर सेकंड लार्जेस्ट रिवर है एमपी की। ओके, फिर ये चंबल रिवर 3 स्टेट से होकर गुजरती है। एमपी से इसका उद्गम है, फिर उसके बाद ये राजस्थान में जाती है, फिर वापस से एमपी में आती है, फिर उसके बाद ये उत्तर प्रदेश में इटावा में यमुना से जाके मिल जाती है। ठीक है, तो ये 3 स्टेट में फ्लो होती है चंबल रिवर। तो चंबल रिवर का ओरिजिन है नॉर्थ इंडिया तरफ में मध्य प्रदेश से, फिर उसके बाद वो जाती है राजस्थान में, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में गंगा से यमुना के थ्रू मिल जाती है। ठीक है, तो चंबल किसका किसका पार्ट बन गई? राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का। और बेस्ट थिंग ये है कि ये बाउंड्री बनाती है किसके साथ? राजस्थान की बाउंड्री और मध्य प्रदेश की बाउंड्री का काम करती है कौन सी? चंबल रिवर। तो चंबल रिवर एक्ट एज अ बाउंड्री बिटवीन मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। और ये उत्तर प्रदेश से भी बाउंड्री बनाती है, क्योंकि ये लश्कर प्लेन जो ग्वालियर का रीजन होता है, वहाँ पर जो चंबल का एरिया फ्लो का बताया जाता है, वो लश्कर रीजन बोलते हैं। तो एक तरह से यमुना को और लश्कर रीजन को डिवाइड का काम कौन करती है? चंबल रिवर। ठीक है, ये भी अपन आगे पढ़ेंगे। तो चंबल का पहले फ्लो देख लेते हैं, चंबल कहाँ से फ्लो होती है। तो आप जैसे कि मैप में देख पा रहे हैं कि चंबल का उद्गम यहाँ से हो रहा है। ये जानापावा की पहाड़ी है मऊ, जो कि इंदौर में आता है, उस रीजन से इसका उद्गम होता है। और ये फिर इसके बाद नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो होते हुए राजस्थान में जाती है। राजस्थान के बाद ये वापस एमपी में एंटर करती है, और उसके बाद ये उत्तर प्रदेश में जाके यमुना में, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मर्ज हो जा रही है। तो एमपी में इटावा डिस्ट्रिक्ट में ये यमुना में मिल जा रही है। ठीक है, और इसमें इसकी ट्रिब्यूटरीज आप देख पा रहे हो, कूनो है, पार्वती है, पहुज है, यहाँ से बनास भी जाती है, फिर उसमें मिलती है, और काली सिंध है, छिप्रा है। ये सब इसके क्या हैं? ट्रिब्यूटरीज हैं चंबल की, जो कि अपन बहुत अच्छे से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चंबल में सबसे पहला फैक्ट अपन क्या देख लिया कि ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती है, 3 स्टेट्स में फ्लो होती है, एमपी, राजस्थान एंड यूपी। गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट है, गंगा रिवर सिस्टम, गंगा ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, यमुना की ये ट्रिब्यूटरी है, और यमुना की ये सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। यमुना रिवर की चंबल सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, ये भी फैक्ट में लिखते जाए। फ्रेंड्स, इसमें जो फैक्ट नहीं लिखे हुए हैं, जो मैं बोल रही हूँ, वो आपको लिखते जाना है, क्योंकि ऐसा फैक्ट ही ये पूछता है पेपर में कि यमुना की सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है। तो वो एमपी से रिलेटेड हो गई चंबल, इसलिए पूछ लेगा यमुना की सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? चंबल है। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है? तो वो टोंस है। अब ये मत सोचिएगा जो एमपी से टोन नदी निकलती है, तमस नदी जिसको बोलते हैं, वो जाके यमुना में मिलती है और वो उसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी नहीं। ये टोंस नदी दूसरी है, जो कि उत्तराखंड में आती है, और वो उत्तराखंड रीजन में ही यमुना में जाके मिलती है। तो वो उसकी सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी? यमुना की। लेकिन चंबल यमुना की सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। तो इसका पहला फैक्ट अपन ने क्या देखा कि 3 स्टेट से फ्लो हो रही है, एमपी, यूपी एंड राजस्थान। गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट है। उसके बाद ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर है एमपी की। ठीक है, ये राजस्थान से और एमपी से बॉर्डर बनाती है, राजस्थान और एमपी की नेचुरल बॉर्डर की तरह काम करती है। फिर इसके बाद ये सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी किसकी? यमुना की। यमुना की सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी? चंबल। ठीक है, तो और इसके आगे भी फैक्ट्स पढ़ेंगे, लेकिन ये बेसिक आपको चंबल रिवर के बारे में पता होना चाहिए। अभी अपन इसका उद्गम, ओरिजिन सब देखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं चंबल का ओरिजिन कहाँ से है। तो चंबल ओरिजिनेट होती है सिंगारचोरी पीक, जिसको वांगचुक पॉइंट भी बोलते हैं, जानापावा हिल में है जो। ठीक है, सिंगारचोरी पीक हिल में भी एक चोटी है, जो कि है सिंगारचोरी पीक, जिसको वांगचुक पॉइंट भी बोलते हैं, जानापावा हिल में। ये माउंटेन नॉर्दर्न स्लोप्स का माउंटेन है, विंध्या रेंज का। विंध्या रेंज भी जो नॉर्दर्न स्लोप है जिसका, उधर पास ये हिल पाया जाता है जानापावा हिल, और उसमें मौजूद है सिंगारचोरी पीक, जिसे वांगचुक पॉइंट कहते हैं, जो कि स्थित है कहाँ? मऊ, मऊ तहसील, जो कि इंदौर डिस्ट्रिक्ट की है। तो इंदौर डिस्ट्रिक्ट की मऊ तहसील में ये विंध्या रेंज जानापावा हिल स्थित है। उधर से उद्गम होता है चंबल नदी का। चंबल नदी फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, जैसे कि ये मऊ है, यहाँ से निकल के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये फ्लो होती ईस्ट तरफ, फिर
ईस्ट ऐसे फ्लो जाता है इसका, नॉर्थ ईस्ट पहले फ्लो डायरेक्शन रहता है, फिर ये ईस्ट तरफ फ्लो होती है, ईस्ट तरफ फ्लो के यमुना रिवर में जाके मिल जाती है। तो इसका सबसे पहले फ्लो कहाँ तरफ बताया जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट से फिर ये ईस्ट तरफ फ्लो होने लगती है। और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कवर करती है, तो ये उज्जैन, श्योपुर, भिंड, मुरैना, ये डिस्ट्रिक्ट को ये कवर करते हुए जाके फिर यमुना में मिल जाती है, कहाँ, इटावा, जो कि यूपी में पड़ता है। तो क्या समझ में आया, चंबल ओरिजिनेट हो रही सिंगारचोरी पीक, जानापावा हिल, मऊ तहसील, इंदौर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो बेसिकली इंदौर से इसका उद्गम है और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो होते हुए फिर ईस्ट में ये उज्जैन, श्योपुर, भिंड, मुरैना को कवर करते हुए इटावा में जाके यमुना में मिल जाती है। ये राजस्थान में भी जाती है, राजस्थान में कोटा वगैरह में होते हुए वहाँ पास इसमें डैम वगैरह भी बने हैं, कोटा बैरेज वगैरह, ठीक है, आगे पढ़ेंगे। तो इसकी लगभग इसका जो डिस्टेंस है कवर करने का, ये 965 है, यहाँ पास 885 लिखा हुआ है, 965 के अराउंड इसका है। और ये ओल्ड विंड है, नई से फ्लो होती है, ये मैंने आपको बता दिया, वही चीज़ बता रहा है इसमें। फिर ये बता रहा है इट्स बिकम सेकंड बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, ये मैंने आपको फैक्ट बता दिया कि ये सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की, और यमुना लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी, गंगा की। तो चंबल नदी यमुना की सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, और यमुना की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, टोंस, ये उत्तराखंड वाली टोंस है, ठीक है। और यमुना किसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, तो गंगा की, ये भी फैक्ट कभी कोई पूछ लेता है, ठीक है, तो मार्केट डाउन इंपॉर्टेंट। अब अपन नेक्स्ट देख लेते हैं चंबल के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि चंबल बाउंड्री बनाती है किसके किसके बीच में, नेचुरल बाउंड्री, क्योंकि नदी नेचुरल चीज़ है तो वो ऐसे नेचुरल ज्योग्राफिकल बाउंड्री का पार्ट प्ले कर रही है, किसके बीच में, मध्य प्रदेश और राजस्थान के, मध्य प्रदेश और राजस्थान के, जैसे कि ये अपना एमपी रहता है ऐसे इधर पास से, ज़्यादा अच्छे से मेरे को बनाने नहीं आया, तो ये यहाँ से निकल रही है जैसे कि चंबल रिवर, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में यहाँ से फ्लो होते हुए फिर ये एमपी में जा रही है। तो ये जो पार्ट है यहाँ पास, ये राजस्थान है और ये यूपी है, ये एमपी, तो यहाँ पास ये किसका नेचुरल बाउंड्री एक्ट कर रही है, किसके बीच में, एमपी और राजस्थान के बीच में, तो एमपी और राजस्थान के बीच में नेचुरल बॉर्डर की काम कर रही है। और इसके साथ ये बाउंड्री किसके बीच में बनाती है, लश्कर प्लेन्स। जैसे कि आप इसमें देखिए, यहाँ पास जो ये रीजन होता है, ये रीजन जनरली लश्कर प्लेन कहलाता है, ग्वालियर का ये लश्कर प्लेन कहलाता है, और यहीं पास है यमुना रिवर, तो ये चंबल किसके बीच में बाउंड्री एक्ट कर रही है, ये यमुना रिवर हो गई और ये हो गया लश्कर प्लेन, तो ये रीजन होता है लश्कर प्लेन, ठीक है, ये लश्कर प्लेन कहती हैं। तो यहाँ ग्वालियर के पास पड़ता है, तो ग्वालियर का लश्कर प्लेन को ये डिवाइड कर रही है यमुना से, यमुना और लश्कर के बीच में, ये देख रहे हो आप चंबल रिवर ये फ्लो हो रही है, तो ये एज अ बाउंड्री एक्ट कर रही है किसके बीच में, यमुना और लश्कर प्लेन, ये याद रखिएगा नाम, लश्कर प्लेन, ठीक है। तो जैसे कि ये राजस्थान है और ये एमपी है, तो इसके बीच में देखिए नेचुरल बाउंड्री का काम कर रही है कौन सी रिवर, चंबल रिवर, तो चंबल रिवर एक्ट एज ए नेचुरल बाउंड्री बिटवीन राजस्थान एंड एमपी एंड डिवाइड लश्कर प्लेन विद यमुना, तो ये लश्कर प्लेन ग्वालियर के पास जो है उसको यमुना से डिवाइड कर रही है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये अपन ने देख लिया लश्कर प्लेन ग्वालियर के पास जो थे, उसके बाद चंबल के जो ओल्ड नेम है, जो उसको पुराने एंशियंट नेम जो है चंबल के, वो देख लेते हैं, चर्मावती, चंबल को चर्मावती भी बोला जाता है, धर्मावती भी बोला जाता है, और कामधेनु, ठीक है, चंबल रिवर का, ठीक है। तो चर्मावती, धर्मावती, कामधेनु, ये उनके एंशियंट या फिर पुराने नाम है किसके, चंबल रिवर के। तो जैसे कि ये फैक्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है मध्य प्रदेश की। टोटल ड्रेनेज एरिया, ड्रेनेज एरिया जब अपन ने सबसे पहला वीडियो पढ़ा था तो उसमें ड्रेनेज एरिया समझा था क्या होता है, ड्रेनेज एरिया जरूरी नहीं है कि रिवर उससे वहाँ से फ्लो हो रही हो तो उसका ड्रेनेज एरिया माना जाएगा, उसकी ट्रिब्यूटरी अगर दूसरी जगह से भी आ रही है तो उस एरिया को भी उसका ड्रेनेज एरिया माना जाएगा, ठीक है ना। तो ड्रेनेज एरिया मध्य प्रदेश का चंबल रिवर कितना है टोटल उसका, इसका है 43,200 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है ना, और उसकी लेंथ कितनी है, 960 किलोमीटर, तो चंबल की लेंथ 965 किलोमीटर और टोटल ड्रेनेज एरिया 43,200 स्क्वायर किलोमीटर। चंबल में जो चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश में कितना डिस्टेंस कवर करती है, तो 325 किलोमीटर। ओके, मैंने ऊपर शायद 365 बोल दिया था, उसको करेक्ट कर लीजिएगा, 325 किलोमीटर ये एमपी में कवर करती है और इसका टोटल लेंथ है 965। ओके, फिर इसके बाद ड्रेनेज एरिया, अब मैंने बताया ना इसमें दूसरे डिस्ट्रिक्ट भी इंक्लूड हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, अभी अपन ने ऊपर देखा था कि उज्जैन और वो मुरैना, भिंड वगैरह से फ्लो होती है, लेकिन यहाँ पास मंदसौर, रतलाम, धार वगैरह भी आ रहा है, तो अगर ये आ रहा है तो मतलब यहाँ पास से उसकी ट्रिब्यूटरीज आके उसमें मिल रही हैं, तो ये ड्रेनेज एरिया उसका कहला जा रहा है, ठीक है, किसका, चंबल का, क्योंकि इसमें ट्रिब्यूटरीज जो है वो इस एरिया से आके उसमें मिल रही हैं, तो ड्रेनेज एरिया बड़ा रहेगा उसका, ठीक है। रिवर का फ्लो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हो सकता है लेकिन उसका ड्रेनेज एरिया और भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट को भी कवर कर सकता है। तो ड्रेनेज एरिया चंबल का क्या क्या इंक्लूड करता है, इंदौर, धार, रतलाम, मंदसौर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, तो ये ड्रेनेज एरिया है उसके किसके, चंबल रिवर के। जरूरी नहीं है चंबल यहाँ फ्लो होती हो इन सारे डिस्ट्रिक्ट में, ये उसका ड्रेनेज एरिया, ड्रेनेज एरिया मैंने आपको पहले बताया। उसकी जो चीफ ट्रिब्यूटरीज हैं, जो जो उसकी सहायक नदियाँ हैं जो चंबल में आके मिलती हैं, वो देख लेते हैं। तो उसकी कौन कौन सी, काली सिंध, छिप्रा, पार्वती, कूनो, कुंवारी, बामनी, ये इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, चंबल रिवर की। ओके,
चंबल रिवर को सुपर इम्पोज रिवर बोला जाता है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है चंबल रिवर जानी जाती है बहुत ज़्यादा गली इरोजन के लिए। गली इरोजन आपने सुना होगा, ये MPPSC में पूछा गया था कौन सी नदी गली इरोजन करती है, तो ये चंबल रिवर है। चंबल रिवर करती है गली इरोजन। गली इरोजन क्या होता है, बहुत ज़्यादा खड्डे जैसे बना देती है। तो आपको पता होगा बीहड़ वाला एरिया इलाका बनाती है चंबल नदी। जैसे आपको पता होगा भिंड मुरैना में बहुत ज़्यादा बीहड़ पाए जाते हैं, वहाँ पास डाकुओं के छुपने के लिए बहुत जगह होती है, मतलब जहाँ से नदी बह रही होती है उसका फ्लो चेंज होता रहता है और वहाँ के पूरा मिट्टी बहा के वो खड्डा टाइप का वहाँ पास क्रिएट कर देती है रिवर, तो उसको बोलते हैं गली इरोजन। ठीक है, तो चंबल क्या है, सुपर इम्पोज रिवर है। इसमें बहुत ज़्यादा एकदम से पानी आता है, अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट लेकर आती है और एक ही जगह पर डिपॉजिट कर देती है और फिर उसका फ्लो नहीं बन पाता तो वो जगह चेंज कर देती है, फ्लो चेंज कर देती है। ठीक है, तो इस वजह से वहाँ पास रिवाइंस क्रिएट हो जाती है, रिवाइंस रिवाइंस बोलते हैं उसको। ठीक है, खड्डा रूपी जो क्रिएट कर देती है रिवर, तो चंबल इस चीज़ के लिए जानी जाती है, रिवाइंस ऑफ चंबल ये लिखा हुआ है इधर पास, रिवाइंस। ठीक है, तो इसका टोपोग्राफी बहुत ही बैड टोपोग्राफी होता है और इसी कारण से वहाँ पास ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि चंबल के फ्लो के कारण वहाँ पास फर्टिलिटी नहीं है सॉइल की मेंटेन और वहाँ पास खेती करने लायक रीजन नहीं रह गया है, तो इस वजह से वहाँ पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नहीं हो पाया सही से। लेकिन चंबल इस कारण से बहुत ज़्यादा क्लीन रिवर कंसीडर की जाती है MP की, क्यों, क्योंकि वहाँ पास इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, वो वहाँ पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाया जिस कारण से वहाँ इंडस्ट्रीज नहीं लगी। इस कारण से चंबल का पानी जो है बहुत ही ज़्यादा क्लीनेस्ट वाटर है इंडिया की रिवर्स में, अगर माना जाए तो चंबल नदी का पानी क्लीनेस्ट कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि उसमें अभी भी पॉल्यूशन लेवल बहुत कम है। ठीक है ना, ये उसका प्लस पॉइंट है। लेकिन माइनस पॉइंट क्या है, क्योंकि इस वजह से उस वहाँ पास का एरिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाया और सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होता है उधर पास गली इरोजन के कारण। ठीक है ना, तो चंबल का बैड इफेक्ट्स भी है, कुछ प्लस पॉइंट भी है क्योंकि वो पोल्यूटेड नहीं हुई है। ठीक है, तो सुपर इम्पोज रिवर कहते हैं, गली इरोजन करती है, रिवाइंस क्रिएट करती है, और कहाँ पास करती है ये रिवाइंस क्रिएट, ग्वालियर भिंड मुरैना रीजन में। आपको पता है चंबल के डाकू वो बोला जाता है ना, तो वो चंबल के इसी कारण से वहाँ पास फेमस था चंबल। ठीक है, फिर इसके बाद और कहाँ बनाती है, धौलपुर राजस्थान भरतपुर यहाँ तरफ भी जाती है, तो इधर पास भी ये रिवाइंस क्रिएट करने के लिए जानी जाती है, और लेकिन बेसिकली कहाँ, ग्वालियर भिंड मुरैना, ये MP में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं चंबल, तो चंबल की ट्रिब्यूटरीज को देख लेते हैं कौन कौन सी। तो चंबल की ट्रिब्यूटरीज जो मालवा रीजन में रहती हैं जनरली, तो उसकी ट्रिब्यूटरी है बनास। बनास नदी ये अपनी अरावली हिल्स जो कि राजस्थान में है, राजस्थान में अरावली हिल्स है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है और फिर ये चंबल में जाके मिलती है और इसी में फिर बनाया गया कोटा बैरेज वगैरह। ठीक है ना, चंबल, तो ये बनास, ये उसकी कोई भी रिवर होती है उसका फ्लो किस डायरेक्शन में होता है उसको लेकर अपन उसका लेफ्ट राइट डिसाइड करते हैं। तो चंबल क्योंकि नॉर्थ ईस्ट तरफ फ्लो के ईस्ट में जाती है, तो उसका लेफ्ट रीजन माना जाएगा ये, अपन को अपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखना, और उसका राइट हैंड साइड माना जाएगा ये। तो इधर पास जो भी नदी आके चंबल में मिलेगी वो उसकी लेफ्ट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी कहलाएगी, और इधर से जो आके मिलेगी वो राइट हैंड ट्रिब्यूटरी। तो बनास क्योंकि राजस्थान में उद्गम हो रहा है और वो इधर से जाके चंबल में मिल रही है, चंबल यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है MP से और यहाँ पास से हो रही बनास, तो बनास इधर से जाके इसमें मिल रही, तो ये उसकी लेफ्ट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी कंसीडर की जाएगी। तो बनास जो कि अरावली रेंज से ओरिजिनेट हो रही है और साउथ ईस्टर्न तरफ से राजस्थान से होके ये कहाँ जाके मिल जाती है, फिर चंबल में। ये सब ये नदी जहाँ पास मिल रही हैं, ये सारी नदी चंबल कुंवारी यमुना बनास, ये पाँच नदी ये मिल के क्या बना रही है वहाँ पास, पंचनाद। ठीक है, तो कौन सी नदी इसमें इंक्लूड है, चंबल कुंवारी यमुना सिंध पहुँच, ये पाँच नदियों से बन रहा है पंचनाद। ठीक है, जहाँ पास ये मिल रही हैं यूपी में, यूपी में कहाँ मिल रही हैं, बाहेर, बाहेर करके एक एरिया है यूपी में जो बॉर्डर करता है भिंड और इटावा डिस्ट्रिक्ट को, उधर पास से यहाँ पास पंच नद बन रहा है, किसका किसका, चंबल कुंवारी और यमुना सिंध पहुँच, ये पांच नदियाँ मिलके वहाँ पास पंचनाद बना रही है। और जो बनास है ये चंबल की लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, और चंबल की मेन ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, ये चंबल रिवर है, तो जैसे कि मेन ट्रिब्यूटरी मैंने आपको बताया बनास, ये आके उसके लेफ्ट हैंड में मिलती है, उसके बाद मेज, तो ये दो रिवर हो गई जो लेफ्ट हैंड की, बनास और मेज, उसके राइट हैंड में आके मिल रही है छिप्रा कालीसिंध पार्वती, ये तो उसकी राइट हैंड की मेन रिवर हो जाती है, किसकी, चंबल की। चंबल फिर जाके किसमें मिल जा रही है, यमुना में, तो उसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज याद रखी है कौन सी है, बनास और मेज। बनास अरावली हिल्स से राजस्थान से होकर उसमें मिलती है, फिर मेज, इसके बाद कालीसिंध पार्वती और छिप्रा। ठीक है, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप देख ले सकते हैं कि चंबल रिवर का इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहाँ पास इसके वाटर में वो घड़ियाल और मगरमच्छ का कंजर्वेशन होता है और बहुत सारे डैम बने हुए हैं चंबल रिवर में, तो डैम बना के यहाँ पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, इस वजह से इसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा पुराना और बड़ा डैम कौन सा बना हुआ है चंबल रिवर में, तो गांधी सागर डैम, जो कि प्लेट्यू रीजन है, कंजर्दा प्लेट्यू रीजन, वहाँ पास बना है गांधी सागर डैम। ठीक है, देखा जाए चंबल नदी में तो जनरली चार डैम बने हुए हैं। ठीक है, तो चंबल नदी में कितने डैम बने हुए हैं, चार डैम बने हुए हैं।
ठीक है, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं गांधी सागर, जो कि पुराना, बहुत पुराना और बहुत बड़ा डैम माना जाता है, गांधी सागर डैम। गांधी सागर के डैम के बाद आ जाता है राणा प्रताप सागर, फिर जवाहर सागर और एक कोटा बैरेज। कोटा बैरेज भी बना हुआ है जो कि चंबल नदी में, ठीक है, कोटा बैरेज राजस्थान में, तो ये भी चंबल नदी में। तो चंबल नदी के चार डैम आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने, कौन कौन से, गांधी सागर डैम पूछ लेता है कौन सी नदी में, फिर राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, फिर कोटा बैरेज। ये चार डैम हैं जो कि चंबल नदी में बने हुए हैं। तो चंबल नदी के इकोनॉमिक पॉइंट में आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से डैम बने हैं। तो डैम का नाम देके आपसे पूछ लेगा कौन से रिवर में। तो कोटा बैरेज कब बना था ये देख लेते हैं। तो कोटा बैरेज कब बना था, ये 1952 में बना था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान के तहत ये कोटा बैरेज बनाया गया था चंबल नदी में 1952 में। तो बहुत ईजी, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर, तीन तो सागर और एक कोटा बैरेज, ये चार डैम किस में बने, चंबल नदी में। उसके बाद और देख लेते, चंबल नदी टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पोल्यूशन फ्री रिवर है और यहाँ पास बनी हुई है नेशनल चंबल सेंचुरी। नेशनल चंबल सेंचुरी कब सेटअप हुई थी, 1979 में। और इस सेंचुरी में क्या कंजर्व किए जाते हैं, यहाँ पास घड़ियाल और मगरमच्छ, मतलब मगरमच्छ की दो स्पीसीज, एक है मगर और एक घड़ियाल। मगर घड़ियाल में अंतर ये होता है कि एक होता है मगरमच्छ जिसकी चोंच बिल्कुल लंबी पतली सी ऐसी होती है, ऐसे करके होता है, यहाँ पास उसके टोटी ऐसे निकल, तो ये होता है एक जिसको बोलते हैं एलिगेटर, है ना, घड़ियाल। उसके बाद एक होता है जिसका फैला हुआ मुंह होता है, मगरमच्छ का फैला हुआ होता है, ठीक है, तो वो बिल्कुल पॉइंटेड नहीं होता, तो वो होता है मगर, वो बोलते हैं मगर, ठीक है। वो क्रोकोडाइल होता है और एक एलिगेटर होता है। तो दो स्पीसीज़ यहाँ पर कंजर्व की जाती हैं चंबल नेशनल चंबल सेंचुरी में, जो कि 1979 में इस्टेब्लिश हुई थी। और ये 425 किलोमीटर लॉन्ग है, मतलब इतना जनरली नहीं पूछा जाएगा, बस आपको ये पता होना चाहिए कि नेशनल चंबल सेंचुरी कब बनी थी, 1979 में। और यहाँ दो स्पीसीज़ क्रोकोडाइल के कंजर्व किए जाते हैं, कौन कौन से, मगर और घड़ियाल। और यहाँ 8 स्पीसीज़ पाए जाते हैं टर्टल के, ऐसे नहीं पूछेगा कितने कितने कितने, लेकिन पता होना चाहिए क्या क्या है, टर्टल हैं, क्रोकोडाइल हैं और गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन, ये इंपॉर्टेंट पूछ लेता है, गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है, चंबल रिवर में, ठीक है ना। और यहाँ पास और भी बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स भी आती हैं और बहुत सारे अलग स्पीसीज भी पाए जाते हैं। तो चंबल सेंचुरी कब बनी थी, 1979 में, और यहाँ क्रोकोडाइल का कंजर्वेशन होता है और इवन इट इज़ नोन फॉर गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन, ठीक है। तो एक करंट अफेयर का पॉइंट मैंने ऐड किया, चंबल एक्सप्रेस वे, ये बनाया जा रहा है चंबल नदी के अलॉन्ग, ये बनाया जाएगा, इसे अटल एक्सप्रेस वे भी बोलेंगे, इसे दूसरा नाम भी दे दिया गया अटल एक्सप्रेस वे, चंबल एक्सप्रेसवे को अटल एक्सप्रेसवे, जो कि 6 लेन का एक्सप्रेसवे रहेगा और ये 3 स्टेट से जाने वाला है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। क्योंकि ये चंबल नदी के किनारे किनारे चलने वाला है, इसलिए इसको दे दिया गया है नाम चंबल एक्सप्रेसवे, लेकिन इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर भी रखा गया है। और ये कनेक्ट करेगा कोटा राजस्थान से इटावा उत्तर प्रदेश तक। तो कहाँ से कहाँ कनेक्ट कर रहा है, राजस्थान के कोटा से लेके इटावा उत्तर प्रदेश तक ये कनेक्ट करेगा और बीच में MP से भी होकर जाएगा, इसलिए इसका नाम रखा गया है क्या, चंबल एक्सप्रेसवे। और चंबल एक्सप्रेस वे MP में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजर रहा है, तो ये शिवपुर और मुरैना डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरेगा, ठीक है। और इसमें लगभग 8,250 करोड़ की लागत आएगी और ये टोटल 404 किलोमीटर का होगा, जिसमें MP में रहेगा ये 309 किलोमीटर का, राजस्थान में 78 किलोमीटर और UP में लगभग 17 किलोमीटर का। तो समझ में आया, चंबल एक्सप्रेस वे ये चंबल में बनाया जा रहा है, MP में कितना कवर करेगा ये पता होना चाहिए, 309 और ये टोटल 404 का है, सबसे कम कवर होगा UP में और ये कोटा से लेके UP इटावा को कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमने चंबल नदी को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है, आप वीडियो को एक दो बार देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच।